हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले नव वर्ष की यूवी कंपटीशन परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाने की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका डेली करंट अफेयर्स है। आज 1 जनवरी 2019, नया साल शुरू हो चुका है और नए साल से हम नए रूप में लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स जी के। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनफर्ल्ड 100 फिट टाल ट्रिकोलर टू मार्क नेताजी होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग 75 ईयर्स अगो इन पोर्ट ब्लेयर। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव स्टाम्प इन फर्स्ट डे कवर एंड ए 75 rupees कॉइन ऑन दिस स्पेशल डे। द थ्री रिनेम्ड आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्ष पहले नेताजी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज पहराने को अंकित करते हुए 150 फीट ऊंचा तिरंगा पहराया है। अंडमान और निकोबार के 3 पुनः नामित द्वीप हैं। रॉस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है और हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट, द ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज अवार्डेड बेस्ट कैपिटल सिटी इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्वच्छ सुरक्षा 2018 रैंकिंग्स। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ठोस अवशेष प्रबंधन में बेस्ट कैपिटल सिटी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, द हाई लेवल कमेटी HLC चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड एडिशनल असिस्टेंस ऑफ 1,146.12 crore rupees फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड NDRF टू तमिलनाडु विच वॉज अफेक्टेड बाई साइक्लोन गाजा रिसेंटली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति HLC ने हाल ही में चक्रवात गज से प्रभावित तमिलनाडु को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF से 1,146.12 crore rupees की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एलियंस वॉन बांग्लादेश इलेक्शन विद ए थम्बिंग मेजोरिटी, द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड इट गेव हर ए थर्ड स्ट्रेट टर्म। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के गठबंधन ने एक बड़े बहुमत के साथ बांग्लादेश का चुनाव जीता है। इसके साथ ही उन्हें तीसरा सीधा कार्यकाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पाकिस्तान कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंश्योरेंस ऑफ फर्स्ट एवर रिमेनेबल नॉमिनेटेड पांडा बॉन्ड टू रेज लोन्स फ्रॉम चाइनाज कैपिटल मार्केट्स एज द कंट्री मूव्ड ए स्टेप फॉरवर्ड टू गिव द चाइनीज करेंसी स्टेटस एट पर विद द US डॉलर। पाकिस्तान की कैबिनेट ने चीन के पूंजी बाजारों से ऋण लेने के लिए पहले रनमिनब मूल्य वर्ग पांडा बॉन्ड्स को जारी करने की मंजूरी दे दी है। देश ने अमेरिकी डॉलर के साथ चीनी मुद्रा को एक स्थिति देने के लिए एक कदम बढ़ाया है। अब आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति की। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सुधीर भार्गव एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC
अलोंग विद फॉर इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर भार्गव वाज इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सीआईसी। सरकार ने चार सूचना आयुक्तों के साथ सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी नियुक्त किया है। श्री भार्गव सीआईसी में सूचना आयुक्त थे। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज गोट RBI अप्रूवल टू ऑपरेट एज ए शेड्यूल बैंक। दिस मेक्स ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB द फिफ्थ शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम केरला। ESAF लघु वित्त बैंक को RBI द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में संचालित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही ESAF लघु वित्त बैंक SFB को केरल का पांचवा अनुसूचित बैंक बन गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। द थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बिगिन इन विजयंगरा कर्नाटका। कंट्रीज टॉप बॉक्सर्स विल बी वीइंग फॉर टॉप ऑनर्स एज द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड एट द JSW स्पोर्ट ओवन इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण विजयनगर कर्नाटक में शुरू हो गया है। देश की शीर्ष मुक्केबाज शीर्ष सम्मान के लिए तैयार है। यह टूर्नामेंट JSW स्पोर्ट्स के स्वामित्व वाले इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट इंडियाज स्टाइलिश ओपनर स्मृति मंधाना हैज बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। द 22-year-old हु हैज आल्सो बीन नेम्ड एज द ICC वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अचीव्ड द फीट बाय गिविंग सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। भारत की स्टाइलिश ओपनर स्मृति मंधाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ICC महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित 22 वर्षीय खिलाड़ी ने पूरे वर्ष में कुछ असाधारण प्रदर्शन देकर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स किताब एवं लेखक। द बुक टाइटल्ड अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एनसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम रिटन बाय टोनी जोसेफ वाज रिलीज्ड। द बुक टॉक्स अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस आल्सो नोन एज आर्यंस हु अराइव्ड हियर 65,000 ईयर्स अगो। टोनी जोसेफ द्वारा लिखित पुस्तक का अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एनसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम का अनावरण किया गया। पुस्तक पहले भारतीयों के प्रवास के बारे में बात करती है जिन्हें आर्यन के रूप में भी जाना जाता है जो 65,000 वर्ष पहले यहाँ पहुँचे थे। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज ऑप्टीरूज निधन। नॉर्मन गिम्बल द ऑस्कर एंड जर्मनी विनिंग लिरिस्ट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। गिम्बल्स वर्क इंक्लूडेड किलिंग मी सॉफ्टली विद हिज सॉन्ग रिकॉर्डेड बाई रोबेट्रा फ्लैक द फ्यूगीज एंड अदर्स एंड द थीम टू TV सीरीज हैप्पी डेज। ऑस्कर और ग्रेमी विजेता गीतकार नॉर्मन गिमेल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गिमेल की रचना में किलिंग मी सॉफ्टली विद हिज सॉन्ग शामिल है जिसे रॉबर्ट फ्लैक द फ्यूजेस और अन्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो आपके करंट अफेयर्स हैं और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें और कमेंट जरूर करें वीडियो पर और साथ ही साथ UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।